हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मेरा नाम डॉक्टर तनीमा सिंगल है और मैं एक लैक्टेशन कंसल्टेंट हूँ, चाइल्ड बर्थ एजुकेटर, गर्भ संस्कार एक्सपर्ट और एक आयुर्वेदा डॉक्टर हूँ। आज मैं आपके सामने मेरे जो नई माएँ होती हैं जिनको ब्रेस्ट फीडिंग से लेकर के या स्तनपान कराने में कुछ दिक्कत होती है वो मेरे पास आती हैं, तो कुछ क्वेश्चंस वो पूछती हैं जो कि मैंने देखा है कि ज़्यादातर एक जैसे क्वेश्चंस होते हैं जो माएँ पूछती हैं। तो अब मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ आज, वो उन क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए है। और ऐसे कई क्वेश्चंस मेरे पास हैं जिनके मैं रेगुलरली वीडियोज़ बना करके। तो सबसे पहले आज अभी एक पहला क्वेश्चन जो माँ पूछती है आके कि माँ का दूध अमृत है, हम सब बोलते हैं माँ का दूध अमृत है, लेकिन डब्बे का दूध पे भी सब कुछ लिखा है कि बहुत अच्छा है, उसके अंदर मल्टीविटामिन्स पड़े हैं, सब तरीके की चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो माँ मुझसे पूछती है आकर के कि डब्बे का दूध हम क्यों नहीं दें, जब उसके अंदर इतना सब कुछ पड़ा है तो हम वो भी तो दे सकते हैं ना, माँ का दूध ही क्यों दें, वो क्यों अमृत है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जब 9 महीने बच्चा आपके कोख में रहता है तो आपकी बॉडी आपके बच्चे को सबसे अच्छा पहचानती है, ठीक है। तो माँ का दूध अमृत कैसे है, क्योंकि उसके अंदर जो पहला पीला गाढ़ा दूध आता है उसमें जो उसको हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि बच्चे को इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता देती हैं, जो कि किसी भी डब्बे के दूध में नहीं होता। तो डब्बे के दूध से आप न्यूट्रिशन, आप ये तो कह सकते हैं कि उसको मल्टीविटामिन्स मिल रहे हैं, मिनरल्स मिल रहे हैं, लेकिन उसमें शुगर्स भी होती हैं। आप अगर कभी भी दूध के डब्बे को उठा करके देखिए तो उसमें शुगर्स लिखा होता है। तो शुगर्स आपके एक नवजात बच्चों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि वो उसको इन्फेक्शन कॉज करवाएगा, क्योंकि उसकी जो सिस्टम होता है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको हम गट बोलते हैं, वो अभी उतनी शुगर्स को एब्जॉर्ब करने के लिए डेवलप नहीं हुआ होता है। बल्कि माँ के दूध में बिल्कुल असंतुलित आहार होता है वो, जिसमें बिल्कुल सही मात्रा में जितने भी विटामिन्स मिनरल्स चाहिए होते हैं बच्चे की ग्रोथ के लिए वो होते हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इम्यूनिटी बढ़ाने वाले पोषक तत्व होते हैं जिससे बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसीलिए माँ का दूध अमृत के समान है। दूसरा क्वेश्चन जो सबसे पहले जो ज़्यादातर माएँ मुझसे पूछती हैं कि वैक्सीनेशन कराना तो जो कराते हैं सभी लोग कराते हैं, लेकिन वो कई बार होता है कि हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई उसके 2 दिन बाद हो रहा है या अगले दिन हो रहा है, तब तक हम अपने बच्चे को बचा के कैसे रखें। तो इस क्वेश्चन के लिए भी अगर मैं देखूँ तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो उससे रिलेटेड ही है, क्योंकि माँ का दूध अमृत के समान होता है, तो वो बच्चे को एक तरह से रोग प्रतिरोधक क्षमता या फिर उसको परेशान जो भी बीमारी जिसके लिए माँ को एक दिमाग में होता है कि बच्चे को मैं कैसे प्रोटेक्ट करूं, वो उसमें होती है। तो अगर आप बच्चा माँ का दूध पी रहा है तो उसको ऑलरेडी एक नेचुरल इम्यूनिटी ऑलरेडी मिली हुई है, मिल जाती है। अब इसमें कई बार ये भी माँ मुझसे पलट के पूछती है कि मेरा तो सिजेरियन ऑपरेशन है या मेरा होने वाला है या मेरा हुआ था, तो मैं बच्चे को दूध कैसे पिलाऊँ, क्योंकि मैं तो लेटी हुई हूँ, मेरे टाके आए हैं, मुझे उठने के लिए मना किया गया है, मैं बच्चे को दूध कैसे पिलाऊँ। तो उसमें एक मैं आपको एक बताना चाहूँगी कि हम बच्चे अगर माँ को प्रेगनेंसी के दौरान से ही उसको ठीक प्रकार से सिखा देंगे किस तरह से वो लेटे हुए अपने बच्चे को दूध पिला सकती है, तो वो day 1 से अपने बच्चे को ब्रेस्ट पिला करके बच्चे को दूध पिलाना स्टार्ट कर सकती है। अब ये कहेंगे कि दूध आता ही नहीं है पहले दिन से तो हम क्या करें, तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं जो कि आपके शहर में जो भी लैक्टेशन कंसल्टेंट हों उनसे आप मिलें, जो कि आपको बताएंगे कि किस तरह से प्रेगनेंसी के दौरान ही आप क्या ऐसा करें कि डिलीवरी के बाद आपका जल्दी ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स आ जाए, या जिसको हम लेट डाउन रिफ्लेक्स बोलते हैं। इवन आप डिलीवरी के बाद भी पहले दिन से ही किस तरह से स्टिमुलेशन कर सकते हैं जिससे आपका दूध जल्दी आना शुरू हो जाए और बच्चा अपना पहला माँ का पहला गाढ़ा दूध पी सके। अब नेक्स्ट चीज़ में एक क्वेश्चन है कि ब्रेस्ट फीडिंग कराते समय एक माँ को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
तो ब्रेस्ट फीडिंग कराने में सबसे पहले तो माँ को पहले अपने पोजीशन का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर माँ अगर जिस पोजीशन में बच्चे को फीड करा रही है वो अगर उसके लिए आरामदायक नहीं होगी तो माँ बच्चे को फीड कराने में दिक्कत महसूस होगी उसको आगे। तो सबसे पहले स्ट्रेट बैठे, पीठ को सीधा करके बैठे। ज़्यादातर मैंने माताओं को देखा है जब वो बच्चे को फीड कराती हैं तो बहुत आगे झुक करके फीड कराती हैं, उससे आपकी पीठ पे जोर आएगा और ये गर्दन वगैरह पे जोर आएगा, जिससे गर्दन में दर्द, पीठ में दर्द आदि की समस्याएं हो जाती हैं। तो पोस्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जिस समय बच्चे को फीड करा रहे हैं आप किस पोस्चर में बैठे हैं। तो इसलिए आप बच्चे को जब भी फीड कराएं तो पहले तो स्ट्रेट पोजीशन में फीड कराएं। आप अपने पीछे अच्छा सा टेक ले लें, किसी भी दीवार का या बेड का सपोर्ट ले लें, उसमें अच्छे से पिलो लगा लें, जिससे आपके लिए वो बहुत आरामदायक पोजीशन बने। इसके बाद क्रॉस क्रेडल होल्ड, जो हम लोग अपनी माताओं को सिखाते हैं कि इस होल्ड या इस पोजीशन में आप बच्चे को लें, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। होपफुली आज जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी और काम की लगी। अगर काम की लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारा YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, जिसमें मैं आप नए नए वीडियोस डालती रहूँगी, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आप और किसी अन्य समस्या के लिए, हमारा क्लिनिक विकास नगर में है, मासी केयर क्लिनिक विकास नगर लखनऊ। आप वहाँ पर आकर के मिल सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। हर संडे 11 से 12 मैं एक घंटे का ऑनलाइन सेशन भी लेती हूँ, जिसके लिए आप उसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर 9936162348 इस नंबर पे कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि उसमें किस तरह से आप एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।